सोनिया नाम की एक हेल्दी सी लड़की थी। वो जल्दी से जल्दी पतला हो जाना चाहती थी क्योंकि उसका सपना था कि फ्यूचर में वो एयर होस्टेस बने। एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेने के लिए उसको पहले स्लिम होना था। उसके लिए वो रोज जिम जाया करती थी और बहुत मेहनत करती थी। खाना भी वो उबला हुआ खाया करती थी, चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना घर में बना हो। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ वो पतले होने में लगी हुई थी। वो रोज रात को अपने उस सपने के बारे में सोचती कि एक दिन वो पतली होकर एयर होस्टेस बनेगी और खुशी से सो जाती। बचपन से ही मोटापे के कारण लोग उसको टीज किया करते थे, इसलिए उसकी आदत दोस्त नहीं थे। वो अपने में ही मस्त रहती थी और अपने टारगेट पे उसने फोकस किया हुआ था कि उसको पतला होकर एयर होस्टेस बनना है। जिमिंग से लेकर एक्सरसाइजेस, योगा, सब कुछ वो करती ताकि वो जल्दी से जल्दी पतली हो जाए। एक दिन उसके दोस्त का जन्मदिन था और वो उन्हें पब ले गया। वहाँ पे कुछ देर खाने पीने के बाद वो लोग डांस करने लगे। तभी वहाँ तीन चार बदमाश लड़के आ गए और उसको डांस करता देख उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। उसके कपड़ों के ऊपर हंसने लगे कि कितनी मोटी सी लड़की है, क्या पहन के आ गई है, अपने आप को ज्यादा ही हीरोइन समझ रही है, डांस कैसे कर रही है, ऐसा लग रहा है हाथी नाच रहा है। उसकी बातों को सुनकर वो उदास हो जाती है। उसकी फ्रेंड से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो लड़कों पे चिल्लाती है कि क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि लड़की से बात कैसे करते हैं, इस तरह के कमेंट्स पास करने का क्या मतलब है। तो लड़के बोलते हैं, अरे अगर इतनी मोटी लड़की कार्टून बन के आ जाएगी तो हंसेंगे तो सही ना। कुछ देर तो सोनिया ये सब सुनती रहती है, लेकिन बाद में वो रोती हुई वहां से चले जाती है। घर जाकर वो बहुत रोती है। तो सब कुछ याद आ रहा होता है, किस तरह से भरी महफिल में कुछ लोगों ने उसका जी भर के मजाक उड़ाया और वो कितना शर्मिंदा हुई। वो रोते रोते अपने सपने को याद करने लगती है कि एक दिन उसको एयर होस्टेस बनना है, फिट एंड फाइन बनना है, और वो सो जाती है। अगले दिन वो जिम में जाती है और वर्कआउट करती है और मेहनत करती है। जो अपना वेट चेक करती है तो उसको लगता है कि उसका वेट कम तो हो रहा है, मगर उस स्पीड से नहीं हो रहा जिस स्पीड से वो चाहती थी। जिमिंग के साथ साथ वो शाम को रनिंग करने का भी सोचती है। वो शाम को पार्क में रनिंग शुरू कर देती है। काफी देर तक वो भागती रहती है। पार्क में जितने लोग होते हैं एक एक करके वहां से चले जाते हैं, मगर वो लगातार दौड़ती रहती है। आखिर वो थक कर एक बेंच पर जाके बैठ जाती है। कुछ दिन पहले हुए हादसे को याद करके उसका मन उदास हो जाता है कि किस तरह से लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसका, उसके कपड़ों का, उसके मोटापे का। तभी उस पार्क में उन्हीं लड़कों में से दो लड़के आते हुए नजर आते हैं। पहले तो सोनिया का ध्यान नहीं जाता, मगर वो लड़के सोनिया को देख लेते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। अरे ये वही मोटी है ना जो दिन पब में डांस कर रही थी, इट्स द टाइम टू डिस्को। अरे मोटी कैसे नाच रही थी ना, ऐसे लग रहा था हथनी नाच रही है। दोनों दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उनको देख के डर जाती है। वो बोलते हैं, उसके दोस्त वो कैसे पागलों की तरह डांस कर रहे थे। वो दोनों मिलके उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। वो लड़की वहां से भाग जाती है और रोते हुए पार्क से बाहर आ जाती है। घर जाकर वो बहुत रोती है। बिना खाना खाए वो रोते रोते सो जाती है। हमेशा की तरह अगले दिन वो फिर जिम जाती है। वो ट्रेडमिल की तरफ बढ़ रही होती है, तभी उसको ऐसा लगता है जैसे कोई सुनी सुनाई आवाज है। जब वो पलट कर देखती है तो वहां पे वही दो लड़के खड़े होते हैं जो उसको 2-3 दिन से टीस कर रहे होते हैं। उन्हें देख के टेंशन में आ जाती है कि ये लोग जिम में क्यों आ गए, इन्होंने ये जिम ज्वाइन कर लिया। वो दोनों लड़के आपस में बॉडी बिल्डिंग की बातें कर रहे होते हैं, वेट्स उठा रहे होते हैं, स्टाइल मार रहे होते हैं। ये उनको देखती है और सोचती है, इससे पहले कि वो उसको देखे और उसका सबके सामने मजाक उड़ाए, वो चुपचाप वहां से निकल जाने की सोचती है। वहां से चले जाती है। उदास मन से जिम की सीढ़ियां उतर रही होती है। जिम इंस्ट्रक्टर फोन पे बात कर रहा होता है, मगर उसको देख वो फोन रख देता है और उसे बोलता है, अरे आप तो अभी अभी आए थे, कहाँ चल दिए। सोनिया आज जिम नहीं करना क्या, हेलो। पर सोनिया उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और चली जाती है। सोनिया कुछ आगे जाके पलट कर देखती है जिम की तरफ। वो सोचती है, क्या वो यहाँ पे नहीं आ पाएगी, उसका पतला होने का सपना क्या पूरा नहीं होगा। वो कुछ देर कुछ सोचती है और वापस मुड़ जाती है घर के लिए। क्या सोनिया उन लड़कों से डर के जिम जाना छोड़ देगी, क्या वो अपने एयर होस्टेस बनने के सपने को पूरा नहीं करेगी, या उन लड़कों से किसी रूप में बदला लेगी। क्या चल रहा है सोनिया के दिमाग में, क्या करेगी वो आगे। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।